Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 3 रेफरेंसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से समाअत के आगाज पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था कि अदालत 15 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे चुकी है जो 24 अक्टूबर को खत्म हो चुका। उन्होंने कहा कि अदालत ने 15 दिन का वक्त दिया, अब मुलजिम को यहाँ होना चाहिए था। जज ने हिदायत की कि आप तबसरा ना करें, सिर्फ कानूनी बात करें। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इस मौके पर कुलसुम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। ख्वाजा हारिस ने बताया कि कुलसुम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट कल बजरिया ईमेल मौसूल हुई। नैब ने नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर नैब रेफरेंसेस की समाअत के लिए एहतसाब अदालत में आज पेश हुए। और आपको बताएं कि इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त भी इंतजाम किए गए थे। लेकिन अभी जो अहम खबर वो यह है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इस वक्त आसिफ नवीद ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, बड़ी अहम खबर आई है, नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जी आसिफ, एक रेफरेंस में उनके जो जमानती हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और आज इस समाअत के दौरान आखिरी मौका फराहम किया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि हाजिर, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर भी हाजिरी का इस्तिस्ना मांगा था जो उनको दे दिया गया था। इस समाअत पर भी जब समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से एक मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई जिस उनकी अहलिया कुलसुम नवाज की थी, जिसमें उनकी डिटेल जो बीमारी है उसका जिक्र था। तमाम उसकी भरपूर मुखालफत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने उनका ये कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ नैब अदालत से जो है वो फरार का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है और अदालत को से जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी हरबे आजमाए जा रहे हैं। जिस तरह अदालत का ये कहना था कि आप हमें जो है वो तजावीज ना दें, सिर्फ अपनी जो अपने दलाइल तक महदूद रहें। ताहम अदालत ने जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट और हाजिर सपना की दरख्वास्त पर थे उस पर फैसला महफूज किया था जो अभी से कुछ देर कबल सुना दिया गया है, जिसमें उनको हाजिर से सपना नहीं दिया गया और आखिरी मौका फराहम करते हुए आइंदा समाज पर पेश होने का हुक्म दिया और 3 नवंबर तक समाज जल्दी कर दी है। अभी मरियम नवाज जो है वज़ीर आज़म की जो साहबजादी है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। आज उन्होंने फिर एक बार जो है वो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर दोहरा निजाम कानून है। एक कानून वो है जिसमें कोई भी हाजिरी से कमर दर्द का बहाना करके हाजिरी से सफना मांगता है, ना सिर्फ उसको सफना मिलता है बल्कि बैरून मुल्क इलाज की इजाजत भी मिल जाती है और किसी अदालत में इतनी जरूरत नहीं कि उनसे ये पूछ सके कि आपने इनको क्यों उनको सफना दिया जा रहा है। दूसरी जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म बने हैं उनके काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। ये दोहरा कानून मेयारे कानून है तो इसको आज फिर उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना, इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू उनकी जारी है। तमाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दो रेफरेंसेज में जो है काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं जबकि तीसरे रेफरेंस में जो उनके जामिन है उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। ताम और आइंदा समाज पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो आखिरी मौका फराहम करते हुए पेश होने के लिए जो है वो अदालत ने जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं। ठीक है आसिफ नवीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अहम खबर सामने आई है, आज मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना पे फैसला महफूज किया गया था। तहम ये बड़ी खबर सामने आई है, अहम खबर सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने 2 रेफरेंसेज में नवाज शरीफ के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं जिनमें अजीजिया स्टील मिल और ऑफशोर कंपनी शामिल है, जबकि इवन फील्ड में मुजरिम के जमानती को नोटिस जारी किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, 2 रेफरेंसेज में काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और मियां नवाज शरीफ को अब आखिरी मौका दिया गया है कि वो हर सूरत 3 नवंबर को पेश हो एहतसाब अदालत के रूबरू और 3 नवंबर तक के लिए समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। और इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही हैं और वो कहती हैं कि इस मुल्क में 2 कानून हैं, हमारे लिए अलग कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है। एक बार फिर आसिफ नवीद की जानिब जाएंगे। आसिफ बताइएगा, अब समाअत 3 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है,
आज मरियम नवाज और कैप्टन सफदर भी पेश हुए हैं एहतसाब अदालत के रूबरू, उनकी समाअत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, क्योंकि तीनों मुलजमान एक ही केस में पेश होना थे तो लिहाजा दो मुलजमान पेश हो गए, तीसरे मुलजम जिस वक्त पेश हुए तो आज भी उनके नुमाइंदे जिस वक्त अदालत में पेश हुए तो नया प्रोसिक्यूटर ने उनकी भरपूर मुखालफत की। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर हाजिर से सफला की दरख्वास्त दी गई थी जिसको कबूल कर लिया गया था, इसलिए आज जो है वो नैब की जानब से जो है ना एतराज नहीं उठाया गया उनके नुमाइंदे पर। लेकिन जब फसला खत्म हो जाता है तो उसके बाद नुमाइंदे का किरदार भी खत्म हो जाता है और बार बार फसला की दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं जिससे लगता है कि मामले को सिर्फ लटकाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नवीद आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको बताते हैं कि इस वक्त मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान में जिसमें जमहूरियत पे बात करने को गद्दारी कहा जाता है, जिसपे इंसाफ ना होने पे बात करने को ना इंसाफी कहा जाता है, और जिसके अंदर जो है वो अगर आप ना इंसाफी पे आवाज़ उठाएं तो उसको तौहीन अदालत कहा जाता है, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं तो आपको गद्दार कहा जाता है। हम ऐसे वक्त से गुजरे हैं, बड़ा नाजुक वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। जमहूरियत पे बात करने वाले को गद्दार कहा जाता है, हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, बड़ा नाजुक वक्त है पाकिस्तान के लिए। आपको बताएं आम खबर सामने आई है, अब से कुछ देर पहले हाजिरी से इस्तिस्ना पे फैसला महफूज किया गया था जिसके बाद ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद मरियम नवाज ने मीडिया टॉक किया और उनका कहना है कि जमहूरियत पे बात करने वाले को गद्दार कहा जाता है, हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत नाजुक है। एहतसाब अदालत के बाहर के ये मनाजिर हैं जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज एक अहम खबर सामने आई है, आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो मरियम नवाज ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की उसके हवाले से आपको बताएं कि वो कहती हैं कि आपको सब कुछ पता है, इतने सादा आप भी नहीं हैं, इतनी सादा मैं भी नहीं हूं। साफी उनसे मुसलसल सवाल कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि वो क्या बताती हैं, तो आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज कहती हैं कि आपको सब कुछ पता है, इतने सादा आप भी नहीं हैं और ना ही इतनी सादा मैं हूं। ना इंसाफी पर अगर बात करें तो तौहीन अदालत करार दिया जाता है, जमहूरियत पर बात करें तो गद्दार करार दिया जाता है। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मरियम नवाज और उनके शौहर एहतसाब अदालत में पेशी के बाद अब यहां से रवाना हो रहे हैं। सिक्योरिटी एक बार फिर अलर्ट हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मरियम नवाज की गाड़ी भी बाहर आ चुकी है और इसके साथ साथ कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गाड़ी भी बाहर आ चुकी है। एक बार फिर से रुक करेंगे आसिफ की जानिब, आसिफ नवीद की जानिब। जी आसिफ नवीद, मरियम नवाज वापस जा रही है, मजीद क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? देखिए, मरियम नवाज यहाँ से मीडिया के नुमाइंदों से बात करके यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। तमाम कैप्टन सफदर जो है वो भी यहीं मौजूद हैं जो अभी अगले चंद ही लम्हों में यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हैं, और अभी आपको बताएं कि कैप्टन सफदर भी जो है रवानगी के लिए बाहर आ चुके हैं और अपनी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त मीडिया के नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं कि उनसे एक बार फिर जिस तरह वो आते हुए उन्होंने बातचीत की, जाते हुए भी उनसे बात की जाए, और इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से कैप्टन सफदर भी बात कर रहे हैं। और इससे पहले जिस वक्त कल मरियम नवाज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने शदीद तफजात का इजहार किया, हमेशा की तरह जिस तरह कार्रवाई के ऊपर। आज भी उनका ये कहना था कि इस मुल्क में दोहरा कानून है, जिस तरह हमने पहले कहा कि किसी के लिए कुछ कानून है और किसी के लिए कुछ। एक शख्स जो इस जमहूरियत पर शबखून मारता है और इस मुल्क से चला जाता है और कमर दर्द का बहाना करके उसे हर हाजिरी से सफना, किसी भी अदालती कार्रवाई उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेज चल रहे, किसी भी कार्रवाई में पेश नहीं हो, हाजिरी से सफना मिल जाता है, हत्या के बीमारी से बाहर जाने की इजाजत होती है। दूसरी जानब जो एक मुल्क के तीन बार मुंतखब वज़ीर आज़म है, उनके बार बार इंतजार करने के बावजूद भी ना सिर्फ उनको हाजिरी से सफना नहीं दिया जा रहा, उसके साथ साथ उनको बैरून मुल्क अपनी अहलिया की इजाजत के घर से वो गए तो उस पर भी जो है वो उन पर उनको आज काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उनका ये कहना था कि किसी को भी जरूरत नहीं है इस मुल्क के अंदर के जो पूछ सके कि दोहरा मेरे कानून क्यों है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर जिस तरह आपने भी उन्होंने कहा कि अगर हम कानून पे बात करें तो तौहीन अदालत और जमहूरियत पे बात करें तो गद्दारी के मुर्तकिब ठहरते हैं। ये वो बातें थी जो आज मरियम नवाज ने नायब असल के दल मीडिया के सामने की। वो हमेशा अपने तफजात का इजहार करती हैं, हमेशा वो इस बात का जरूर इजहार करती हैं कि वो अदालतों के
एहतराम में, कानून और आइन के एहतराम में यहाँ आई है, लेकिन उनको इंसाफ की तवक्को नहीं आ रही है। आसिफ नवीद, हमेशा की तरह आज भी एहतसाब अदालत के बाहर आकर मरियम नवाज ने गुफ्तगू की है, जिसमें उनका यही कहना है कि जमहूरियत पे बात करने वाले को गद्दार कहा जाता है। हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाजुक वक्त है, एक शख्स बहाना करके बाहर चले जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। आसिफ नवीद, अब बताइएगा उनका अगला क्या प्लान है, क्योंकि एक अहम खबर सामने आई है कि दो रेफरेंस में नवाज शरीफ की काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। इस हवाले से उन्होंने कोई आगे जाके कोई मशावरती इजलास करना है, कोई मुस्लिम लीग के रहनुमा सर जोड़ के बैठेंगे? जी यकीनन, आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सर जोड़ कर बैठेंगे। अब से कुछ ही देर में जो है उनका एक मुस्लिम लीग नून काउंसिल इजलास होगा, जिसकी सदारत जो है मरियम नवाज करेंगी। उसके साथ साथ कानूनी टीम की मुशावरत भी यकीनन होगी, क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई है। जिस तरह की उनका इनका मुतालबा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी, कि जो है नया कोर्ट कार्रवाई को मौखर किया जाए, आज भी इनको ये चाहिए।